नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के आ रही है विभिन्न शिक्षक भर्तियों को लेकर के। सबसे पहली जो अपडेट है वो है यूपीपीएससी को लेकर के। यूपीपीएससी की एक बड़ी शिक्षक भर्ती थी जिसके ऑनलाइन फॉर्म अभी लिए गए थे। इसकी परीक्षा 17 अप्रैल को होना था, तो ये जो परीक्षा है फिलहाल स्थगित कर दी गई है पंचायत चुनाव के कारण। लोक सेवा आयोग ने इसकी महत्वपूर्ण नोटिस जारी कर दी है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि 5 अप्रैल 2021 की ये नोटिस है, और ये जो नोटिस संबंधित है वो है राजकीय डिग्री कॉलेज परीक्षा से संबंधित, यानी जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों की जो भर्तियाँ अभी 2020 में आई थी वो परीक्षा 17 अप्रैल को होनी थी, तो इस परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए लिखा है आयोग के विज्ञापन संख्या 02/2021 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर पद हेतु आयोग द्वारा पूर्व में जारी विज्ञप्ति के अनुसार इसकी जो परीक्षा थी वो 17 अप्रैल 2021 को निर्धारित थी। अतः सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि पंचायत चुनाव के दृष्टिगत ये परीक्षा स्थगित की जाती है। उक्त स्क्रीनिंग परीक्षा की अगली तिथि की सूचना विज्ञप्ति के माध्यम से यथासमय दे दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के डिग्री कॉलेजों में जो परीक्षा होनी थी 17 अप्रैल को, ये परीक्षा 17 अप्रैल वाली अभी स्थगित कर दी गई है पंचायत चुनाव के कारण। दूसरी जो महत्वपूर्ण अपडेट है दोस्तों वो है जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के। जूनियर शिक्षक भर्ती पर भी संकट के बादल मंडरा रहे और हो सकता है ये परीक्षा पोस्टपोन हो जाए। कारण इसमें बड़ा है पंचायत चुनाव सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन ये है कि यहाँ पर पंचायत चुनाव जो है वो 17 अप्रैल को होना है और इसकी परीक्षा जो है 18 अप्रैल को है। अब दोस्तों यहाँ पर ये समस्या इसमें भी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनकी चुनाव में ड्यूटी लग रही है, जैसे 68,500 में जो चयनित हुए थे, 69,000 में जो चयनित अभ्यर्थी हैं, इन लोगों ने भी इस शिक्षक भर्ती में फॉर्म भरा है जूनियर शिक्षक भर्ती में। अब जब पंचायत चुनाव में ड्यूटी लग जाएगी तो पंचायत चुनाव में जो ड्यूटी लग जाने के कारण ये जो समय से परीक्षा में नहीं पहुंच पाएंगे। कारण ये है कि 18 अप्रैल को परीक्षा है और 19 अप्रैल को चुनाव होना है। अब 19 अप्रैल को जब चुनाव होना तो 18 को ही शिक्षकों को पार्टियों को जाना होता है। इस वजह से ये छात्र जो शिक्षक हैं कर्मचारी हैं पंचायत चुनाव के कारण परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। इनकी संख्या करीब बताया जा रहा है कि करीब 25,000 ऐसे शिक्षक हैं जो कि चुनाव में जिनकी ड्यूटियाँ लगनी हैं, और ये जो अब शिक्षक हैं इस परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। इस वजह से ये शिक्षक लगातार जो है वो मांग कर रहे हैं कि इस परीक्षा को टाला जाए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा है कि शिक्षकों ने बड़े पैमाने पर राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार को ईमेल SECUP@SECUP.IN पर पत्र भेजे हैं, लेकिन इस संबंध में चुनाव आयुक्त और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसी तरह का कोई निर्णय नहीं लेने से शिक्षक परेशान है और इस परीक्षा को लेकर के उहापोह की स्थिति बनी हुई है। युवा मंच ने इस चुनाव आयुक्त और सरकार से मांग की है कि इस संबंध में उचित निर्णय जल्द लिया जाए जिससे छात्रों में उहापोह की स्थिति न रहे और शिक्षक भी परीक्षा से वंचित ना हो। दोस्तों अगर 18 अप्रैल को ये परीक्षा होती है तो जाहिर सी बात है जिनकी ड्यूटी लगेगी वो परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे, और जब परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे तो इस पर निर्णय लेना चाहिए PNP को और जो निर्वाचन आयोग है उसको, कि ऐसा कोई हल निकाले जिससे ये शिक्षक ये भी परीक्षा में बैठ पाए। जाहिर सी बात है इसका एक ही हल है, सिर्फ और सिर्फ परीक्षा डेट को आगे बढ़ाना। फिलहाल अभी इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। लगातार शिक्षकों द्वारा पत्र ईमेल भेजे जा रहे हैं और मांग की जा रही है कि इस पर अपना स्पष्टीकरण दे और इनको परीक्षा में वंचित ना होने दिया जाए, इनकी यानी परीक्षा में बैठने का इनको मौका दिया जाए। अगली अपडेट है TGT PGT 2021 को लेकर के। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि TGT PGT 2021 की जो वेबसाइट है वो नहीं चल रही है, लगातार कमेंट आ रहे हैं और इसका कोई हल भी नहीं है। अभ्यर्थी रात रात भर जो है फॉर्म भर रहे हैं लेकिन फॉर्म नहीं भर पा रहा है, कभी नो एक्सेस इरर आ रहा है, कभी सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस आ रहा है, कभी पूरा फॉर्म भरने के बाद फिर से होम पेज खुल जा रहा है, कई बार तो चक्कर ही लगाता रहता है वेबसाइट पे लेकिन कभी फॉर्म नहीं खुलता। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं, इनको जो है
चयन बोर्ड को अवगत करा दिया गया है। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो ईमेल भेजी हैं और युवा मंच ने भी इस पर एक ईमेल भेजा है। मैं आपको दिखा भी देता हूं इसकी कॉपी, यहां पर आप लोग देख सकते हैं युवा मंच के द्वारा जो चयन बोर्ड है उसको 5 अप्रैल आज ही ये मेल भेजा गया है। आप लोगों से भी अनुरोध है, जिसको भी दिक्कत आ रही है सभी लोग ईमेल जरूर करें कि वेबसाइट सही नहीं चल रही है, वेबसाइट को सही करें, दुरुस्त करें, और अगर तब भी वेबसाइट में दिक्कत आती है तो फिर डेट आगे बढ़ाई जाए। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, कैसे आप लोग ईमेल लिखेंगे इसको देख लीजिए, और कहाँ पर मेल भेजना ये भी देख लीजिए। आयोग की जो मेल आईडी वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। आपके सामने ये जो ईमेल है इसको आप लोग देख लीजिए, यूपी मैं लिख भी देता हूँ, upmssscbal@gmail.com ये जीमेल आईडी है आयोग की। इस जीमेल आईडी पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेल भेजें कि वेबसाइट नहीं चल रही, वेबसाइट में इस तरह की समस्याएं हो रही है, फॉर्म नहीं भर पा रहा है, सारी जो मेल है आयोग तक पहुँचेंगे निश्चित रूप से इसका हल जरूर निकलेगा। यहाँ पर मेल में क्या लिखना तो वो देख लीजिए, लिखा है यहाँ पर प्रति श्रीमान अध्यक्ष सचिव उप सचिव उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इलनगंज प्रयागराज, विषय टीजीटी 2021 संशोधित विज्ञापन की वेबसाइट सही न चलने के संबंध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के संबंध में। आगे लिखे महोदय आपको अवगत कराना चाहता हूं कि टीजीटी व पीजीटी 2021 संशोधित फॉर्म विज्ञापन के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 11 अप्रैल है, लेकिन वेबसाइट सही तरीके से काम नहीं कर रही है, जिससे लाखों प्रतियोगियों को फॉर्म भरने में काफ़ी समस्या हो रही है। इतना ही नहीं, फोटो अपलोड करने के बावजूद भी फाइनल प्रिंट में फोटो नहीं आ रही है, जिससे स्पष्ट है कि वेबसाइट क्रैश हो रही है। ऐसे में प्रतियोगियों के हित को ध्यान में रखते हुए गंभीरता से तत्काल वेबसाइट सही कराने हेतु आवश्यक कदम उठाएं। नीचे लिखा है अतः आपसे आग्रह है कि लाखों नौजवानों के भविष्य को देखते हुए वेबसाइट को सुचारू रूप से चलवाने का कष्ट करें, आपकी महान दया होगी। बौद्धी में यहाँ पर देख सकते हैं अनिल सिंह अध्यक्ष युवा मंच की तरफ से मेल भेजा गया है, हमने भी अभी मेल भेजा हुआ है, ठीक है। और आपसे भी गुजारिश है कि आप लोग भी मेल जरूर करें ताकि चयन बोर्ड तक ये सारी बातें पहुंचे और चयन बोर्ड इस वेबसाइट को दुरुस्त कराना था। आप लोगों को ही दिक्कत होगी, अपना दिन भर का समय बर्बाद करते हैं, रात रात भर जागते हैं फॉर्म के चक्कर में, फिर भी फॉर्म नहीं भर पा रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनको इस तरह की दिक्कत आ रही है, और अगर ऐसे वेबसाइट चलती रहो तो मुझे लगता है कि हज़ारों ऐसे छात्र हैं जो फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग भी मेल जरूर करें। मेल आईडी यहाँ पर दी गई, मैंने आपको बता भी दिया कैसे मेल करना है और क्या ईमेल में लिखना है सारी चीज़ें। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, वहाँ पर भी क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और आपस में डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।